और वहीं आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सचिवालय में बैठक है। सचिवालय में पायलट की दो अहम बैठक होगी। सबसे पहले जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की डिप्टी सीएम बैठक लेंगे और बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग की एसीएस विनु गुप्ता समेत अन्य सभी अधिकारीगण भी मौजूद होंगे। इसके बाद सचिन पायलट ग्रामीण पंचायत राज विभाग की बैठक लेंगे और उन सभी समस्याओं पर चर्चाएं करेंगे। इस बैठक के माध्यम से सचिवालय में आज डिप्टी सीएम की दो अहम बैठक होनी है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज सचिवालय में दो अहम बैठक लेंगे। पहली बैठक जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की होगी और वहीं दूसरी बैठक, बता दूं कि दूसरी बैठक पंचायती राज विभाग की होगी। ग्रामीण पंचायती राज विभाग की बैठक में सभी समस्याओं पर विचार विमर्श होगा। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सचिवालय में दो अहम बैठक होगी। सबसे पहले ये बैठक कब तक शुरू होने की संभावना है और वहीं पहली बैठक पीडब्ल्यूडी विभाग की होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए ज्योति, आज जो दोनों प्रमुख विभाग है डिप्टी सीएम के पास, ग्रामीण विकास पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी, दोनों के आज समीक्षा बैठक है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सचिन पायलट अभी फिलहाल बैठक कर रहे हैं और लगातार जो जी उनको लेकर आज ये समीक्षा की जा रही है। पहले भी सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि पिछली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए विधानसभा चुनाव में लाभ फायदे की वोट के फायदे के लिए बगैर वित्तीय स्वीकृति के लिए काफी सड़कें स्वीकृत कर दी थी और उनके लिए वित्तीय प्रावधान था ही नहीं। ऐसे में अब इस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कौन सी सड़कें हैं जिनको रोका जाए और ऐसे कौन से काम है जो किए जाए। ऐसे में डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनकी समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी संभवतः कर रहे हैं कि जो कार्य अभी जरूरी है उनको हाथ में लिया जाए और विभाग जल्दी उनको पूरा करे, क्योंकि करीब 5,000 करोड़ की ऐसी स्वीकृतियां पिछली सरकार ने जारी की थी और विभाग के पास उनका वित्तीय प्रावधान है नहीं। ऐसे में जो जरूरी कार्य है उनको जल्द पूर्ण किया जाए। साथ ही ज्योति, पंचायती राज विभाग की अगर बात की जाए तो पंचायती राज विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा के लिए आज यह मीटिंग रखी है। उसके बाद अभी पीडब्ल्यूडी की मीटिंग चल रही है, उसके बाद यह मीटिंग होगी और उसमें भी जैसे मनरेगा योजना है, राजीविका है, ऐसी तमाम भी है योजनाओं की यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। दो दिन पूर्व ही मनरेगा का समय परिवर्तित किया गया था गर्मी के मौसम को देखते हुए और चिकित्सा पानी सहित कई व्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित भी किया गया था। ऐसी तमाम योजनाओं को आज डिप्टी सीएम समीक्षा कर रहे हैं ताकि आम जनता को उनका पूर्ण रूप से फायदा मिले और किसी तरह की कोई परेशानी न हो। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आज सचिवालय में डिप्टी सीएम सचिन पायलट दो अहम बैठक लेंगे। पहली बैठक में जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक है जिसमें तमाम तरह की चीजों पर चर्चाएं होंगी, वही दूसरी बैठक पंचायती राज विभाग की है जिसमें मनरेगा योजना जैसी तमाम विषयों पर चर्चाएं होंगी।